जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं सभी अच्छे होंगे। साथियों, प्रतिदिन की तरह जो आज की सीसीएस यूनिवर्सिटी की न्यूज है वो मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूं, और साथ के साथ अभी अभी सीसीएस यूनिवर्सिटी की तरफ से एक नोटिस जारी किया गया है उसके बारे में हम बात करने वाले हैं, और जो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन पूछ रहे हैं उनके भी आंसर करने वाला हूं। तो चलिए साथियों, बिना किसी तरीके करते हैं आज की वीडियो को शुरू। साथियों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे कहूंगा, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि सीसीएस यूनिवर्सिटी जुड़ी कोई भी अपडेट होती है सबसे पहले मैं आप तक पहुंचाता हूं इस चैनल के माध्यम से। साथियों, सबसे पहले बात करते हैं जो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन पूछ रहे हैं उसके बारे में। तो साथियों, जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जा रहा है वो पूछा जा रहा है आपके जो एग्जाम होंगे उसके पैटर्न को लेकर, कि आपके जो एग्जाम होने हैं वो ऑब्जेक्टिव होंगे या सब्जेक्टिव होंगे। तो मैं इसको बिल्कुल क्लियर कर चुका हूं कि जो आपके एग्जाम पहले होते थे उसी तरीके से आपके एग्जाम होने वाले हैं, यानी कि जो एग्जाम ऑब्जेक्टिव होते थे वो ऑब्जेक्टिव होंगे और जो आपके सब्जेक्टिव होते थे वो आपके सब्जेक्टिव ही होने वाले हैं। अब इसमें कुछ बच्चों में क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि सर, जो हमारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जिनका टाइम 2 घंटे का था उनका समय 1 घंटे का कर दिया गया है, तो उसमें क्वेश्चंस कितने करने होंगे। देखिए, बिल्कुल क्लियर है, जिसमें क्वेश्चंस आपके 1 घंटे में ऑब्जेक्टिव टाइप के जो क्वेश्चन थे वो आपको 50% करने होंगे, यानी कि पहले आप 2 घंटे में 100 क्वेश्चन करते थे तो अब आपको कितने करने होंगे, 50 क्वेश्चन करने होंगे। और जिन कोर्सेज का पेपर 1.5 घंटे का है, यानी कि जिन कोर्सेज में आपको 1.5 घंटे का पेपर करना है और उसमें क्वेश्चन जो है आपके पहले 100 होते थे, अब आपके जो यदि 1.5 घंटे का पेपर कर दिया गया है तो उसमें आपके 75 क्वेश्चंस आपको करने होंगे। तो आपको अपनी तैयारी में रहना है। इसी तरीके से जो आपके लिखित परीक्षा होती है यानी कि सब्जेक्टिव पेपर होगा, उसमें आपको बता चुका हूं, यानी कि लॉन्ग क्वेश्चन में जैसे आपके 4 होते थे, सपोज दैट लॉन्ग क्वेश्चन आपको 4 करने होते थे तो 4 में से आप 2 करने होंगे। इसी टाइप से शॉर्ट क्वेश्चन है, यदि आपको 8 करने होते थे तो अब आपको 4 करने होंगे। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन सॉल्व आपको करने होंगे। तो ये रहेगा इनका फॉर्मेट, यानी कि फॉर्मेट आप समझ गए होंगे, जैसे पहले होते थे पेपर इसी टाइप से होंगे। कुछ कोर्सेज के जो फाइनल ईयर के जो पेपर होते हैं वो ऑब्जेक्टिव होते हैं, तो वो आपके ऑब्जेक्टिव होने वाले हैं, तो इसमें आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। और यदि आपको ये कंफ्यूजन है कि ऑनलाइन होंगे एग्जाम या ऑफलाइन, तो बिल्कुल क्लियर है, आपके एग्जाम ऑफलाइन ही होने हैं, यानी कि आपके एग्जाम ऑफलाइन कराए जाएंगे, तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। अब आगे बात करते हैं, सीसीएस यूनिवर्सिटी की तरफ से कल नोटिस जारी किया गया था किसके लिए, आपका जो बीकॉम की डेट शीट है वो थोड़ी सी चेंज हुई है। सेकंड ईयर और थर्ड ईयर की डेट शीट जो है थोड़ा सा चेंज हुई है, उसमें कुछ कोर्सेज चेंज हुए हैं जो कि मैं अपने फेसबुक पेज पर निरंतर अपडेट करता रहता हूं, तो आप वहां से देख सकते हैं। दूसरा, जो आज का नोटिस है, आज का नोटिस जारी किया गया है, यानी कि जो हमारे प्रोफेशनल कोर्सेज है उनके जो एग्जाम सेंटर है वो जारी कर दिए गए हैं, तो आप जाकर सीसीएस यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर देख सकते हैं, मेरे फेसबुक पेज पर देख सकते हैं, मैंने फेसबुक पेज पर भी उनको अपडेट कर दिया है, तो वहां से भी आप देख सकते हैं। फेसबुक पेज पर मैं अपना जो भी कोई अपडेट होती है एजुकेशन से रिलेटेड वो सब सारी चीजें मैं अपडेट करता रहता हूं, तो फेसबुक पेज को आप जरूर फॉलो कर लीजिएगा, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो साथियों, ऑलमोस्ट मैंने सब सारी चीजें आपकी क्लियर कर दी हैं, जो भी आपके डाउट और क्वेश्चन क्वेरी थे। यदि अभी भी आपका कोई क्वेश्चन या डाउट रह गया है तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं जितने जल्द से जल्द होगा उसका आंसर या उस पर वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूंगा। तो चलिए साथियों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।